नदबई थाना पुलिस ने डीएपी खाद के नाम से कस्बे के खाद बीज व्यापारी से 7,28,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी करने के आरोपी प्रेमनगर दिल्ली निवासी राहुल गोयल पुत्र बजरंगलाल गोयल को प्रकरण दर्ज होने के मात्र 5 दिन में ही गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के गांव बेलारा निवासी सुनील कुमार पुत्र नवल सिंह जाट, जिसकी नदबई बाईपास पर एसके सीड्स के नाम से दुकान संचालित है, विगत 10 अक्टूबर को अपने साथ हुई 7,28,000 की ऑनलाइन ठगी का मामला नदबई थाने में दर्ज करवाया था। दर्ज मामले में उन्होंने बताया कि विगत 4 अक्टूबर को 3:49 पर उनके मोबाइल पर दिल्ली निवासी किसी पवन बंसल का फोन आया कि मेरा खाद बीज और वर्षी का थोक का कार्य है और मैं जयपुर और मथुरा में माल सप्लाई करता हूं, लेकिन वर्तमान समय में चल रही डीएपी खाद की किल्लत को देखते हुए मैंने उसे डीएपी और यूरिया खाद उपलब्ध करवाने को कहा, जिस पर सहमति बनने पर छात्री द्वारा पीड़ित को बातों में लेकर 7,28,000 रुपए ऑनलाइन बताए गए खाते में ट्रांसफर करवा दिए। इसके बाद ना खाद मिला और ना पैसे। पुलिस के ओर से 5 दिवस में ही छात्री ठग की गिरफ्तारी कर ली गई। बताया गया कि नदबई थाने में ठगी का मामला दर्ज होने के बाद उस प्रकरण का अनुसंधान एएसआई कमलेश मीणा द्वारा किया गया। अनुसंधान के दौरान परिवादी के बयान के आधार पर साइबर सेल भरतपुर से आरोपी की सीडीआर तथा संबंधित बैंक से स्टेटमेंट प्राप्त कर आरोपी तक पहुंचने की कोशिश के मध्य कई बार पुलिस को आभास हुआ कि आरोपी बहुत ही शातिर है और वह लगातार फर्जी आईडी का इस्तेमाल कर रहा है। पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की गई। आरोपी की लगातार एक ही होटल में निश्चित समय पर प्राप्त लोकेशन के आधार पर दिल्ली के रूपनगर इलाके में स्थित होटल को पुलिस टीम द्वारा मुख्य रूप से जांच के घेरे में रखा गया। लोकेशन के आधार पर होटल के सीसीटीवी फुटेज की गहनता से जांच करने पर आरोपी की कार के नंबर चिन्हित कर परिवहन विभाग से डिटेल प्राप्त की गई और उसके बाद आरोपी को चिन्हित कर लाखों रुपए की ऑनलाइन ठगी करने के मास्टरमाइंड राहुल गोयल पुत्र बजरंगलाल गोयल निवासी 36 प्रेमनगर द्वितीय किराड़ी थाना प्रेमनगर दिल्ली को दिल्ली पुलिस की सहायता से गिरफ्तार कर नदबई न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। दिनांक 10/10/2021 को परिवादी श्री सुनील कुमार निवासी बेलारा ने एक मुकदमा दर्ज कराया था कि मेरे खाद बीज की दुकान है और मुझे झांसा देकर अज्ञात व्यक्ति ने मेरे साथ 7,28,000 की धोखाधड़ी कर दिए, जिस पर मुकदमा दर्ज कर मन एसआई कमलेश मीणा ने तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश में सीडीआर साइबर सेल से प्राप्त कर बारीकी से विश्लेषण किया गया। आरोपियों के खातों की फोल डिटेल लेकर और सीसीटीवी फुटेज और उनकी लोकेशन के आधार पर दिल्ली में उनको तलाश किया गया और कल दिनांक 15/10/2021 को दिल्ली पुलिस के सहयोग से आरोपी राहुल गोयल सनोक बजरंग गोयल निवासी आई 36 प्रेमनगर सेकंड थाना प्रेमनगर दिल्ली को गिरफ्तार किया गया है। आज न्यायालय पेश किया गया है, इसका 5 दिन का रिमांड प्राप्त कर लिया गया है। उससे अब अड़पी गई रकम बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं।